हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और उसके बाद जाके उठा हूँ मैं। 7:30 बजे बज चुके हैं तब जाके मैं उठा हूँ। और वैसे मैं 8:30 तक पहले तो उठता नहीं था, तो क्योंकि आज इसलिए उठना पड़ गया, आज रक्षाबंधन है। मामा मामा आ रहे हैं, मामा मामी और मेरा भाई, छोटा भाई आ रहा है, तो उस चक्कर में मेरे को उठना पड़ गया। फिर तो तिरंगा तो मुझे ऑफिस तरफ से मिल गया, तो ये देख सकते हैं आप, मुझे ऑफिस तरफ से ये तिरंगा मिला हुआ है। और अभी मैं नहा धो के, जब नहा धो के रेडी हो जाऊंगा, उसके बाद जाके मैं इसको टांगों ऊपर लगाऊंगा। क्योंकि अभी लगाऊंगा पता चला मामा मम्मी आ गया, मैं छोटा भाई आ गया, तो कहेंगे बिना नहाए रेडी हो और मम्मी आ गई, वो भी कहेंगे अभी तक नहीं नहाए। मैं तुमसे बोला था जब मैं वहां से तुम्हें छोड़ के आ जाओ घर पे, तब तुम नहाने चले जाना। वो बोलता था तुम आ गए मामा, तुम नहा रहे हो, तो मैं नहा लू पहले, फिर उसके बाद ये फ्लैग लगाऊंगा। इसकी रील भी बनाऊंगा मैं, आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। आपको नीचे इंस्टाग्राम पे मेंशन हो रही होगी मेरी आईडी, तो प्लीज जाके फॉलो कर लीजिएगा और आपको जल्दी से ही मेरे फ्लैग के साथ एक रील बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को। और ये वीडियो का पूरी देखने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लॉग ब्रो पूरी वीडियो तो देख लेते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। पहले जल्दी से नहा लेता हूँ वरना मम्मी आ जाएंगी, फिर मेरे को डांट पड़ेगी। तो जल्दी से नहा के रेडी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद फ्लैग लगाता हूँ और बढ़िया बढ़िया उसके शॉर्ट्स आपको दिखाता हूँ। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और मामा भी किस समय आ सकते हैं, तो तब तक तो मैं तिरंगा फैला दूँ ऊपर जाके, मतलब फहरा तो दिया ही है, ऊपर जाके और फहरा दूँ अच्छे से आसमान में, और ऊंचा हमारा तिरंगा रहे हमारा ऊंचा। और साथ में बांध देंगे इस पाइप को भी रेलिंग पे और अच्छा भी लगेगा। तो चलते हैं ऊपर छत पे। तो उसके बांधने के लिए मैंने ये रस्सी ले ली है और काटने के लिए अभी कैंची ले रहा हूँ, क्योंकि हाथ में तो कटती नहीं है, मुझे कैंची से ही काटना पड़ेगा। तो जल्दी चलते हैं छत पे और पूरा एक इसके साथ एक रील भी बनाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, थोड़ा सा भूख लग रही है कि देखता हूँ कुछ खाता हूँ या नहीं, चना खाना है या और चाय चाय बना के रस खा लूँ। तो क्योंकि अभी मामा का फोन आया था, मैं वहां से निकल चुका, बस आधे आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक 1 घंटे का टाइम है, तो कुछ खा पी लूँ जल्दी से, पेट पूजा कर लूँ, वरना आधे घंटे में क्या पेट पूजा होगी। तो जल्दी जाता हूँ, देखता हूँ क्या खाता हूँ आधे घंटे में। और रक्षाबंधन कंप्लीट हो चुका है और मेरी राखियाँ भी बन चुकी हैं तीनों बहन की हमारी। तो दोनों बहन दो बहन तो आ नहीं पाई थी क्योंकि वो बाहर है, और दूसरी तीसरी वाली भी बाहरी है, वो भी नहीं आ पाई। तो उसके चक्कर में राखी मैंने मामी की बेटी आई थी तो उनसे बंधवा दी, दोनों सीनियर सिस्टर की। तो राखी अच्छा अच्छा खाना व्यंजन बना था, छोले बने थे, चावल रहता, सलाद, नींबू, मजा आ गया आज खाने में, इतना बढ़िया बढ़िया। और पूरी आज इतना टेस्टी चीज़ें बनी थी, मजा आ गया। बस ब्लॉग का शूट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लोग थे, कब आप बातें भी हो रही, टीवी भी चल रहा है, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पापा आवाज़ दे रहे हैं तो मैं नीचे से जल्दी आता हूँ। तो शाम के 7:30 बज चुके थे, मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी, तो मम्मी से बोला मैं नाश्ता क्या करूँ, क्या खाऊँ क्या खाऊँ। तो मम्मी ने बोला तुम्हारा जो मन हो वो खा लो, क्योंकि अभी आधे घंटे बाद रोटी सेकनी है, क्योंकि दोपहर का जो खाना बना बना था मम्मा वहाँ आए थे, तो छोला वोला बना था, छोला रायता और थोड़ा सा सलाद रखा था। मम्मी ने कहा छोला ज़्यादा बना था, थोड़ा सा बच गया है, तो उसी में हम तीन लोग का हो जाएगा, बस रोटी मुझे सेकनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी भूख लगी है, मम्मी के आधे घंटे रुक जाओ और उसके बाद रोटी सेकनी है, फिर खाना खाना ही है।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा नाश्ता कर, भूख ज्यादा लगी तो नाश्ता कर लो जाके। मैंने कहा अच्छा, मैं सोचा फिर मन में सोच देखा जाए कुछ है नहीं किचन में, फिर मैंने मनाया अच्छा चलो ठीक है वेट कर लेते हैं फिर खाना खाते हैं, सीधे आधे घंटे का वेट करके खाना खाएंगे। और जो नया कपड़ा मैंने पहना था रक्षाबंधन पे, उसमें मैंने एक्सेल का स्टिकर लगा था, उसको निकाल के मैंने इस कंबल पे लगा दिया। अच्छा वो मम्मी ने देखा, मैंने पिटाई हो जाती मेरी। अच्छा वो ये एक्सेल वाला मम्मी ने नहीं देखा, उस कंबल पे मैंने चिपका के चला गया है, वरना उस कंबल में देख लेती और मैं चिपकाया है कहीं कंबल तुम्हें खराब करने खाती, ये जगह मिलती है चिपकाने की, कंबल भी खराब कर रहे हो और मैं मम्मी गुस्सा हो जाती है, चक्कर जल्दी से आज भी हटा दिया वरना सुबह देखेंगे ना बहुत तेज डांट पड़ेगी। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बाय।